नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो पुराण गंठे कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आमे माने व्यवहारिक जगत रे प्रातः समय रे जेते बेले सज्जा त्याग करू सेते बेले पांच जन सती नाम को स्मरण करिथाउ। मान्यता रहिछि ए पांच जन सती नाम को स्मरण कले समस्त पातक नाश जाए। पांच जन किए? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच सती स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी ये पांच जन महर्षि स्त्री ना को उच्चारण कले आमर पातक नाश जाए। आज आम पुराण गंठी कार्यक्रम गंठी पड़ी देवी कुंती निकटने माता कुंती धर्म इंद्र पवन सूर्य एम निकटर पुत्र संतान प्राप्ति कर सारापर ताको सतीर मान्यता दि जाइए महासतीर मान्यता दि जाइए किपरी कुमारी अवस्था रे भगवान सूर्य निकट पुत्र प्राप्ति कले पुत्र ना हो कर्ण विवाह परे धर्म निकट धर्मराज युधिष्ठिर इंद्र निकटर अर्जुन पवन निकटर भीम एम पुत्र रूप से लाभ कलापर ताको सतीर मान्यता किपरि दिजिव यही जगार आम पुराण गंठी कार्यक्रम गंठी पड़ी। दिनकर घटना महाभारत युद्ध चली प्रायतः युद्ध मध्य भाग शेष हो गलानी आउ अल्प समय पर युद्ध सरीजी। आज युद्ध भूमि शेष अवस्था युद्ध सेनापति अच्छा दानवीर कर्ण। कर्ण सेनापति हेबा पूर्व पितामह भीष्म दस दिन युद्ध कर सरसज्जार पतित होती। आचार्य द्रोण पांच दिन युद्ध कर सी मध्य विरक्ति लाभ कर मात्र आनि दिन युद्ध बाकी अच्छी। तीन दिन युद्ध पर दानवीर कर्ण को सेनापति आसन दि जा घमाघोट लड़े चली दुई पक्षर जय जय घोकार जय घोष चली गोटे पटे अर्जुन जय घोष हो तो अन्य पटे कर्ण जय घोष हो उभय जय घोष मध्य व्यथित होती माता कुंती। ये जय घोष तरंगायित तो होवन माता कुंती निकट में पहुँची गला जय घोष नाद हृदय भय थरी उठिला मने मने से आह्वान कले भगवान कृष्ण को कले हे कृष्ण हे वसु वसुदेव नंदन हे गोपी प्राणवल्लभ मु तुमको आज प्रश्न पचारिबी कृष्ण सत्य कर मत तुम कह के अपराध रे आज मु दंडित आजीर युद्ध रे अर्जुन विजय हो किंबा कर्ण विजयी हुंतु आज युद्ध रे कर्ण विरगति अथवा अर्जुन विरगति हो आघात तो मत ही लगे कृष्ण जदि अर्जुन मोर प्राणर स्पंदन हुए कर्ण कर मोर जीवन नुहे कृष्ण मत कह कर्ण भी मोर जीवन अर्जुन भी मोर जीवन मोर मातृकोल आज खाली हो आज हर कहीं अवस्था मत मिला कृष्ण तुम मत कह मन को रोमंथन करुंच कृष्ण को डाकुं विगत दिन कथा को स्मरण करगत दिन इतिहास को सी चली जाते बड़े माता कुंती शिशु अवस्था थे पिला अवस्था थे से दिन तक राज्य को आव देव ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जीवन में क्या आशीर्वाद करना क्षमा मागिबा तो पाखे स्वप्न सी क्या क्षमा भी दिखती ना जिते बड़े दुर्वासा आसी पहुँची गले राजा कुंतेय स्वागत कले सेवारे देवी कुंती को नियोजित करदे
देवी कुंती एपरी सेवा कले तो दुर्वासा प्रसन्न हो गले। प्रसन्न ही देवी कुंती को फेरवा समय गोटे अभिमंत्रित मंत्र प्रदान करदे कले देवी ये मंत्र हूँ तुम सहायक ये मंत्र द्वारा तुम्हें जहाँ को आमंत्रण कर निकट तुम पुत्र प्राप्ति कर वीर पुत्र प्राप्ति कर फेरीगले। से दिन कुंती बयस है मंत्र भल मंद बुझापी कहीं पा लोक सी जौवन आसनी देहरे से दिन सी जाणिना मंत्र प्रभाव कुप्रभाव हे कि सुप्रभाव हे सदा बेल से मंत्र को देखुं माला को गोड़ भावुं गुरुदेव जहाँ कहीगले जो मंत्र देगले से मंत्र कौन शक्ति अच्छी य भावना मध्य कुंती बयस हो जा बसंतर प्रथम स्पर्श कुंती को स्पर्श करी देह शीत ही उठी चक्षु नृत्य करी हृदय अजणा तरंग खेली जाइए रक्त उष्मता भरी जाइए कुंती से दिन विचलित होती जापार ना कहीं शरीर विचलित हो जा कौन पाई मन भितर अजणा प्रेमर जुआर उठी जा बुझार तो बयस है कुंती भाभी भाभी से मंत्र को पुरस्तरण करदे जो मंत्र देव ऋषि दुर्वासा प्रदान करते मंत्र भल कि मंद जाणी ना जप करदे प्रयोग करदे पुरस्तरण करदे तो दूर देखले कमनीय कांति भला पुरुष ठिया होती कुंती पचारुं किए आगंतुक ना मु अंशुमान कहीं आसिले अंशुमान कहते तुम्हें मत डाकिल ना मु परीक्षा करूली मंत्र शक्ति ना तुम्हें कुमारी परीक्षा करवा तुमको शोभा देना मंत्र तार शक्ति प्रदान कर मंत्र तार कार्य समाहित कर तेणु देवी जेहेतु तुम मत आमंत्रण कर मो द्वारा तुम्हें एक पुत्र संतान लाभ करिवो कहिले एवं पुत्र संतान दे से फेरीगले तो सूर्य ठारु प्रेम आलिंगन लाभ करी कुंती तृप्ति हेले। छोट छुआ जानी नांती कुमारी कौन प्रेम कौन प्रणय कौन प्रेमर समर्पण कौन आनंद कौन ताको किसी जणा ना कि दिन गड़ी जा मध्य दिन गले घटना कुंती बसी मुक्त गगन तले आकाश को चाहती सका सका समय कुआ तार को देखुं हटात चित्कार कही उठिले हे दासी छाय छाय पचारे कौन है देवी ना मत कहीं जना पड़ी आकाशर कुआ तारा मोर श्वास मध्य प्रवेश करी मो गर्भरे अवस्थापन कर बढ़िया लगी आश्चर्य सखी छाय कहे जेमा तुम्हें कौन कल अजाणत क्या को तुम अंगदान कर कहे मु अजाणत नुहे मु जानिक अंगदान कर भगवान भास्कर सूर्य को अंगदान कर कहीं अंगदान कल ना मंत्र प्रभाव को मु देखु थी ना तुम्हें अजाणत अंगदान कर फल बड़ भयंकर हम संसार भितर जेमा दे तुम जान ना कहीं भयंकर हम ना अजाणत तुम अंगदान करेतु संसार द्वारा तुम्हें भर्सित हाब संसार तुमको लज्जा दृष्टि देख प्रतिवाद करी उठिले कुंती अंग मोर दान कर सामर्थ्य भी मोर मु संसार को भय करी कहीं भय करी दासी कहले जेमा दे संसार को साखी दे तुम नामकरण हो जन्म हो संस्कार होेणु तुम्हें संसार को साखी दे अंग दान कर लुकायित भाव नुहे आम आलोचना करूले कुंती दासी मध्य कथोपकथन हो समय अनुसार पुत्र संतान अजणा राज्य को भसई दे पुत्र को सेमाने दासी बसई देते कुंती प्रतिवाद कर उठी हे दासी मो हृदय को तुम दुई खंड कर ना मो गर्भ को तुम दुई फाड़ कर ना भसई दिना रक्त मांस गढ़ा मोर पुत्र को दासी पचारे प्रतिवाद कहीं तुम्हें कौन यही अजणा संतान को नहीं संसार परिचय सृष्टि कर कुंती निश्चित आपको भुवन भास्कर भगवान साहय करे
तुम पाखे छाड़ दि पिताश्री साहे कुंती निरुत्तर रही आज कुंती भावुं हाय हतभागा मु कौन कली मोर वीर पुत्र को मु तार माता हबार परिचय दे पारिनी मु परिचय दे सी कौन आज राधेय होता मुझे मोर परिचय प्रदान करौर वंशर मर्यादा पाइन था मुझे माँ हबार परिचय प्रदान करती कर्ण कौन क्षत्रिय बोली विचारगण्य हो न था कर्ण कौन लाछित होता द्रौपदी स्वयंवर सभार मुझे दायी हे कृष्ण आज जदि से कर्ण अजणा भाव चली मु तो दोषी मुपरी ताको मुह देखी किपर मुझे कह तथापि हे कृष्ण तो द्वारा मु प्रेरित हो मो पुत्र कर्ण निकटर अनेक जिनस मगुणी कर नहीं आसी केवल अर्जुन युद्ध विजय पर ये भी एक अपराध मोपाई हो पाए आज कौन हेबो मु जाने ना कृष्ण थरे आ एक भावुंट भगवान मोहर मुरली बंशीधारी आसी पहुँचीगले सी सर्वत्र विद्यमान हसी हसी प्रवेश करीगले हाथ जोड़ी पचारे माता कुंती ये वसुदेव नंदन जशोदा दुलार श्रीकृष्णर प्रणाम ग्रहण करतु माँ देवी मुंड टेक चाहिए कह संध्या होगल दिन सारा मु ते भावुली दिन चलीगला सूर्य अस्त हो गले कौन पाई आसलु एत समय धरी कौटी थी भगवान कृष्ण उत्तर दे कहते माँ मु तो केवल अस्त देखापी आसी द्वापर युगर अस्त हेले तो कली युगर आगमन हम तेणु दिन नगले राति आसव केमी द्वापर शेष नहले कली आसव केमी तमें तो हूँ यार वास्तव तमें तो हूँ यार मार्गदर्शक तमें तो हूँ आधार हाथ जोड़े कुंती कले हे मोहन मुरली बंशीधारी तुम कथार चातुरी तुम शब्दर चातुरी तुम कहार ढंगी तुम कहार भंगी मु बुझिपारुनि कृष्ण मत सीधा सीधा कह कौन कह चाहु मत बुले बांकी कह ना मोर से सामर्थ्य ना तो कथा को बुझापी मुझे विद्वान होता तो कथा को बुझी था अरे कृष्ण तो कथा को भरी राजदरबार धृतराष्ट्र समेत पितामह भीष्म द्रोण आदि तो बुझी पारे मुझे अबला दुर्बला नारी मु तो कथा को केमी बुझी मत खोलिकी कौन भगवान कृष्ण कहते माँ तुम्हें मत प्रथम पचार दिन गला ये राति आसी पहुँचल अरे ये रातिर ना हो नैराश्य नैराश्य को राति बोली कह जाए प्रकाश हूँ सत्य माँ तुम्हें सत्य को उपलब्धि करौरव वंशर वीर मैंने नैराश्य को उपलब्धि करैराश्यर पतन पर मु आसी पुनर्बार नैराश्यर पतन हो गले अंधकार दूरीभूत हो गले पुनर्बार सूर्य उदय हो सत्यर प्रकाश हो द्वापर अंत पर तो कली आगमन हम समस्ते समस्त समय देवा दरकार समस्ते समस्त गति निमित्त रास्ता देदेवा दरकार मु द्वापर युगरे अच्छी बोली कली को आसवा को देवीना यह तो धर्म नुहे कली ता मार्ग जीव द्वापर ता मार्ग जीव त्रेतया मार्ग जा सत्य ता मार्ग जा जीवा हूँ मार्ग में गति करवाम काम फलाफल आम काम नुह परिणाम आम काम नुह जी ए मार्ग में गति करे दान करुगर पुरुषोत्तम हाथ जोड़े कहे हे कृष्ण हे नंदपुत्र मत सत्य कर कह आज यदि कर्ण मरीज मत दुख लगे ना कर्ण वीरगति आज यदि अर्जुन वीरगति हे मत दुख लगे ना उत्तर भगवान कहते कहीं दुख कर सुख कर तुम्हें तो मृत्युदाता नुह तुम्हें तो क्या मृत्यु दे पार ना तेणु तुम्हें कह मृत्युपे विचलित कहीं तुम्हें तो क्या विजय दे पार ना तुम्हें तो क्या फलाफल दे पार ना से तुम्हें विचलित कहीं आज जो कर्ण और अर्जुन मध्य युद्ध होंद्व हो मूल कारण कौन तुम जान कुंती कुंती पचारे भगवान यार मूल कारण कौन
ना ये होची त्रेता युगर घटना जेतेबेले मु त्रेता युगर रामावतार ग्रहण करथिले सेतेबेले सुग्रीवंक निकट रही मु बाळींकु निधन करथिले सेई दिन बाळी मते प्रार्थना करथिले प्रभु आपण सुग्रीवंक मित्र होइगले दिने कण मोर मित्र हेबे नाही मु सेई दिन बलिदान देथिली आज देखो जो अर्जुन रथ से मु सारथी होइछि से अर्जुन होती से दिन बाड़ी आज कर्ण होती दिन सुग्रीव तेणु ये हूँ मोर लीला ये लीला भितर दुई जन होती पात्र मो निर्देश नृत्य करो निर्देश गति हम परागति हम ए तुम विचलित हो ना देवी तुम्हें विचलित हेले मु मोर कर्म संपादन करना हाथ जोड़े देवी कुंती कहले प्रभु मत गोटे कथा कहू मु अविवाहित अवस्था लुकायित भाव प्रेम प्रणय करी पुत्र संतान जन्म कली ए तो संसार मत दूषित करिवो तो संसार मत असती बोली कहिवो भगवान कहते देवी सूर्यंकर प्रकाश सूर्यंकर तेज को धारण करिवार सामर्थ्य ए संसार रे कहार अछि मत आउ जने व्यक्ति देखा ए संसार एभली कौनसी माँ ना ए संसार एपरी कौनसी आधार ना जी कि सर्वशक्तिमान सूर्यंकर शक्ति को धारण करिपारिवो जहार गर्भ सूर्य शक्ति को धारण करने आधार हो पार देवी कुमारी तुम तो आजीवन कुमारी किए कौ तुम बहुत करी ये कुमारित्व हूँ एक एक विद्या षोड़शी हूँ एक विद्या तुम्हें जितेबले सूर्य को ग्रहण कल से कुमारित्व थी तुम पाखे ये हूँ एक विद्या जो विद्या द्वारा भगवान भास्कर तुमको शक्ति प्रदान कले से शक्ति अन्य ना हूँ कर्ण से तुम गर्भ हूँ पवित्र तुम गर्भ हूँ आधार जो आधार रे भगवान सूर्य निवास कले एपरी आधार ए संसार रे ना भूत ना भविष्य रे कौन सी नारी निकट रे देखा जीव आउ गोटे कथा मन रख देवी धर्म को तुम गर्भरे स्थान दल इंद्र को गर्भरे स्थान दल पवन को गर्भरे स्थान दल मत कह देखी एपरी कहार गर्भ अच्छी जो गर्भरे पवन स्थान पाई पवन अंश स्थान पाई कह देवी एभली क्या गर्भरे स्थान अच्छी गर्भरे आधार अच्छी जी इंद्र तेज को बहन करम तेज को बहन कर ये समस्त तेज को बहन करिवार जो सामर्थ्य जो भूमि जो भित्तिभूमि आवश्यक अच्छी से भित्तिभूमि तुम निकट अच्छी तुम गर्भरे अच्छी जो गर्भ को आधार कर आज धर्मयुद्ध धर्मर पक्ष रे मु आज रही धर्मयुद्ध चली धर्मर विजय हो। भगवान कृष्ण माता कुंती सहित कथोपकथन चली अनेक समय धरी कथबार्ता चल रही भगवान कृष्ण केवल हसी के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान बांको चाहणी रे चाहूचंती बांको ठाणी रे ठियाईचंती माता कुंती बसीचंती माता कुंती करे गोटिए प्रश्न मु जहा करी जाइछि सेति पई इतिहास मते कलंक देबो नै तो भगवान बारंबार कहउचंती कुंती आपण होउचंती श्रेष्ठ माता आपण बाछल्यमयी आपण ममतामयी जदि सेदिन आपण कहि नथांते लब्ध द्रव्य को तुम पांच भाई बांटी बोली आज देवी द्रौपदी शक्तिहीन हो जाते आज देवी द्रौपदी पांच जन को बांधिक रखिपार नाते आज देवी द्रौपदी ये धर्मयुद्धर मंजी हो नाते भित्तिभूमि हो नाते हे माँ आपण गर्भर आधार ही ये धर्मयुद्धर विजय ध्वजा जदि आपणकर गर्भ आधार हो न था जदि आपण को अवदान न था ए धर्मयुद्ध सृष्टि हो न था ए विश्वरे केवल अधर्म ही नृत्य करता अधर्म ही ए सारा संसार को माड़ बस था द्वितीय कथा माँ
माद्री चलीगले पंडु चलीगले दुई पुत्र त्रिकालदर्शी सहदेव रूपवान नकुल से मानक किए पालन करते किए ममतारे बांधि थांते किए मातृस्नेह दे थांते माँ तुम्हें कौन तक मातृस्नेह दे ना माँ तुम्हें कौन तक ममतारे बांधि ना माँ सहदेव को कौन तुम्हें ज्ञान दे ना माँ तक कौन तुम्हें शक्ति दे ना माँ तुम्हें भीम अर्जुन युधिष्ठिर कौन के पृथक देखीच माँ कह तो देखी देवी कुंती कहते ना कृष्ण ये पांच जन मो हृदय पंच प्राण ना जदि तुम ये पांच जन हूँ तुम पंच प्राण तेज मन रख कन्न हो तुम षष्ठ प्राण आज हाथ जोड़ी पकड़े देवी कुंती कहले भगवान मु बुझी पार्लि ये पांच पुओ जदि मोर पंच प्राण हेले तेज षष्ठ प्राण किए कर्ण केमी ना कर्ण मान मुजे मु स्वयं निजे हूँ तुम षष्ठ प्राण तुम षष्ठ आधार मुजे हूँ सूर्य मुजे ही तुम गर्भरे सूर्य रूप से आसी सूर्य को ज्ञान दे तुम भावना ये असंख्य विश्व भितर मु विद्यमान मो छड़ा कई नहांती हाथ जोड़े देवी देखुंत भगवान शरीर में असंख्य सूर्य को देखुं आज भगवान ठिया भगवान शरीर रूप देखुं कुंती कौन देखुं कृष्ण देहरे असंख्य सूर्य देखुं असंख्य चंद्र देखुं असंख्य नद नदी देखुं हाथ जोड़ी पकेले आखिरे प्रेमाश्रु विगलित हो गला कहे कृष्ण तो देहरे कौन असंख्य सूर्य मु देखुची ना मु सूर्य होसे मु चंद्र होसे मु आज रथर सारथी होसी मु नंद बाबा गेला छुआ थी मु बंदीशाल जन्म होती ये जगत रे मो इच्छा ही जगत संचालित हो इच्छा ही नृत्य हो इच्छा ही नाटक चली अभिनय चली संसार चली मो इच्छा ही सृष्टि स्थिति संहार चली क्या दोष दे पारनी तुम्हें भी दोषी नुह कहीं भी दोषी नुहति मुझे मुक्त कंठ से घोषणा करुच्ची ए धरा तले महासती होती कुंती जदि कुंती भूल बशत धमवशत स्वप्न देवी जदि किए तुम उपर अंगु निर्देश करदे कुंती असती बोली कहीदे जान ताकू एक कोटि जन्म आउ थे ग्रहण करने पड़ो कारण भगवान सदाशिव निजे कही कुंती हूँ सती कुंती हूँ साध्वी कुंती हूँ जगत माता तेणु हे द्रौपदी जो बरदान दे ये बरदान से दिन सफल हेब कुंती निकटे जो दिन कुंती कहे पांच जन को बांटिनि से दिन मोर दे बरदान रूपायित हो कहमा भगवान सदाशिवंकर वाक्य कौन मिथ्या हो पारे कहमा मोर विश्व रूप कौन मिथ्या हो पारे जदि मोर विश्व रूप मिथ्या नुहे जदि भगवान सदाशिव आशीर्वाद मिथ्या नुहे तेब तुम किपर असत्य हेल कुंती मत बुझे कह कहीं तुम हृदय वेदना आसुची तुम आज वेदना को परित्याग कर दि दुख को परित्याग कर दि मन को तुम अम्लान कर दि मन मईला को तुम रख ना ये तुम जाणी थाओ जा सब कृष्ण द्वारा ही हो जा ता कृष्ण ही करी जहाँ आगू हम ता कृष्ण ही कर द्वापर युगर सत्य कथा देवी कुंती मुहर टिके हस आसला भगवान को अनदे टिके टिके मुचकुंदी मुचकुंदी हस मारे सत्य जना पड़ा देवी कुंती मुखरे हस ना अनेक दिन में लुचिक रही जो लज्जा से लज्जा गुराक आज फुटी उठला से लज्जा गुराक आज हसरे रूपातरित हो गला हस मध्यम सते कि कुंती निज अंतर सब वेदना को गोटी गोटी फूल में परिणत करी भगवान को कृष्ण पाद अर्पित करी भगवान मो मन आ दुख ना मो मन आ कष्ट जिते कष्ट वेदना थी मु सबूत पाद तले आज मु अर्पित कर
ମୁଁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ଶରଣ ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଦ୍ୱାପର କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଗାମୀ କଳିଯୁଗ ଆସିବ, ତାହାକୁ ବି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା କୁନ୍ତି କିପରି ସତ୍ୟ ହେଲେ, ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଦାଶିବଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। କୁନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହାସତୀ। ଆମର ପୁରାଣ ଗଣ୍ଠିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଗଲା। ସମୟ ହୋଇଛି ଆମେ ଏଠାରେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରାଣ ଗଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।